तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव शो का। तो मैं तो भाई इस वीडियो में हम बनाने वाले एक कमाल का रूम हीटर, और वो भी बहुत ही सस्ते में और बहुत ही आसान तरीके में। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, आपको पूरा मज़ा आ जाएगा। तो रूम हीटर बनाने के लिए पहले आपको लेना पड़ेगा एक कार्डबोर्ड का बॉक्स। आप इसके जगह कोई लकड़ी का बॉक्स या और कोई बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, बट प्लास्टिक का बॉक्स मत यूज़ कीजिए क्योंकि ये गर्म होगा। तो और इसके बाद हम ले लेंगे एक मोटर, डीसी मोटर, और एक रेड और ब्लैक वायर को हम लेंगे और उसको मोटर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर मोटर के जो दो पॉइंट था उस दो पॉइंट में यहाँ पर रेड और ब्लैक वायर को मैं कनेक्ट कर दिया। तो अब आपको एक बल्ब होल्डर लेना पड़ेगा, और यहाँ पर ये जो बल्ब होल्डर है इसको ये जो बॉक्स है इसके अंदर आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख ही सकते हैं, यहाँ पर मार्कर के द्वारा मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हम कटर के द्वारा कट कर लेंगे और इसके अंदर इस बल्ब होल्डर को लगा देंगे। तो अब हम यहाँ पर एक 100 वाट का यानी 100 वाट का एक बल्ब लेंगे और इसको इस होल्डर के अंदर लगा देंगे। तो अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लग रहा है तो भाई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, और मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और मेरा इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है क्रिएटिव शोगत ऑफिशियल, और मेरा ट्विटर का आईडी है @creativeshogat, वहाँ पर भी मुझको प्लीज़ फॉलो कर लेना। और जल्द से जल्दी 1K कर दो यार, सिर्फ कुछ ही सब्सक्राइबर बाकी है 1K करने में। तो 1K सब्सक्राइबर के बाद मैं मेरा फेस रिवील भी कर दूंगा और एक स्पेशल वीडियो भी आएगा। तो ये जो कार्डबोर्ड का पीस है उसको हम यहाँ पर कटर के द्वारा कट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो मोटर है उसके ऊपर अच्छे से हॉट ग्लू को लगा देंगे। तो हॉट ग्लू क्या है कि जो हॉट ग्लू गन होता है उसमें जो ग्लू यूज़ होता है वो ही यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन के द्वारा गर्म करके लगा देंगे। तो यहाँ पर एक प्रोपेलर ले लेंगे, मतलब एक पंखा जो फैन में यूज़ होता है वो पंखा एक ले लेंगे छोटा सा। अब ये जो पंखा है इसका माप का इस बॉक्स में एक छेद करना पड़ेगा, एक सर्कल में एक छेद करना पड़ेगा इसका माप का, क्योंकि इसके अंदर ही मतलब इस फैन को रखा जाएगा। तो देख ही सकते हैं, यहाँ पर हम कटर के द्वारा छेद कर लिए और यहाँ पर फिर से मैं हॉट ग्लू को दे रहा हूँ, लगा रहा हूँ अच्छे से। आप इसके जगह और कोई भी मतलब ग्लू का यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर मेरे पास हॉट ग्लू था तो मैं इसलिए इसको यूज़ किया। तो अब हम यहाँ पर एक पेन के द्वारा एक मार्क कर लेंगे जिसमें कि मैं ये स्विच को लगाऊंगा। देख ही सकते हैं, यहाँ पर मैंने कटर के द्वारा छेद कर लिया और इसमें मैं स्विच को लगाऊंगा। तब ये जो आयर है इसके ऊपर थोड़ा सोल्डरिंग आयर को मैं लगाऊंगा और उसको इस स्विच के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर दोनों आयर निकला, एक ब्लैक और एक रेड, जिसको मैं इस बैटरी के साथ कनेक्ट करूंगा। ये 9 वोल्ट का एक बैटरी है। तो देख ही सकते हैं, यहाँ पर ये प्लस को मैंने प्लस में लगा दिया और माइनस को मैंने माइनस में लगा दिया, और उसके ऊपर एक कनेक्टर लगा दिया। यहाँ पर आप सोल्डर भी कर सकते हैं और ग्लू के द्वारा भी लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक कनेक्टर के द्वारा ही लगाया। अब फिर से मैंने ग्लू गन दे दिया, मतलब हॉट ग्लू को दे दिया और उसको अच्छे से यहाँ पर लगा दिया बैटरी। और यहाँ पर हम टूथपिक का यूज़ करेंगे, मतलब इसके ऊपर जो जाले होते हैं ना, मतलब जो सीक रहते हैं, मतलब जाले फैन के ऊपर, वो ही यहाँ पर मैं टूथपिक के द्वारा लगा देंगे। और थोड़ा अच्छा लगने के लिए, मतलब थोड़ा सुंदर लगने के लिए इसके ऊपर एक गोल सर्कल कार्डबोर्ड का एक पीस लगा देंगे। तो अब हम यहाँ पर ये जो पीस है कार्डबोर्ड का इसको भी हम हॉट ग्लू के द्वारा ही लगाएंगे। आप यहाँ पर और कोई भी मतलब ग्लू यूज़ कर सकते हैं, फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास नहीं था तो मैंने यहाँ पर इसके द्वारा ही लगा दिया। यहाँ पर अच्छे से मैंने लगा दिया। तो अब हम इसके पीछे कुछ छेद करेंगे और इस छेद के द्वारा ही अंदर, मतलब इस बॉक्स का अंदर हवा आएगा, जो हवा अंदर रखा हुआ जो बल्ब है उससे गर्म होगा, मतलब बल्ब भी गर्म होता है ना, ये जो 100 वाट का बल्ब उससे गर्म होगा, और वो गर्म हवा को जो फैन है वो अंदर से गर्म हवा को खींच कर मतलब सामने आपके सामने प्रोवाइड करेगा गर्म हवा। तो ऐसे ही इसका फंक्शन है। तो अब हम यहाँ पर एक 2 पिन प्लग ले लेंगे, जो मतलब बहुत ही ईजी है इसको कनेक्ट करना, दोनों आयर है, दोनों आयर में हम 2 पिन को कनेक्ट कर देंगे और उसको अच्छे से मतलब लगा देंगे। यहाँ पर ये आपको मतलब इलेक्ट्रिक शॉप में 10 रुपये में मिल जाएगा, 5-10 रुपये में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो अब ये जो हीटर है ये रेडी हो गया, और ये उतना भी अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, फिर भी इसका काम बहुत अच्छा है।
तो अब मैं इसको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि कैसा है ये। तो यहाँ पर मैंने स्विच को ऑन कर दिया, आप देख ही सकते हैं यहाँ पर जो बल्ब है वो मतलब जल गया और पूरा हीटर की तरह भी लग रहा है मतलब देखने में भी। और यहाँ पर फ़ैन को भी मैं ऑन कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा गर्म गर्म हवा प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लग रहा है तो फिर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरा इंस्टाग्राम आई डी क्रिएटिव शोगत ऑफिशियल, वहाँ पर भी मुझको प्लीज़ फॉलो कर लेना। और मेरा ट्विटर हैंडल है @creativeshogat, वहाँ पर भी मुझको प्लीज़ फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर जो दोनों वीडियो आप देख रहे हैं उसमें से एक को आप क्लिक कर दीजिए।